सुब्रमलीन पायलट बाबा को लेकर फिर बढ़ा विवाद। शरीर त्याग कर इस संसार से विमुक्त हुए पायलट बाबा अब जबरन जमीन कब्जाने का लगा आरोप। पायलट बाबा के शरीर त्यागने पर शुरू हुआ बवाल, दत्तक पुत्र ने उठाए गंभीर सवाल। बाबा की चोटसी से पहले संपत्ति का उठा विवाद, जाने क्या है पूरा फसाद। बीते 21 अगस्त को महायोगी पायलट बाबा का मुंबई के कोकिला वेन हॉस्पिटल में देहांत हो गया था। बाबा के ब्रह्मलीन होने के बाद पायलट बाबा की शिष्या योग माता केको आयकावा को उत्तराधिकारी बना दिया गया। लेकिन अब पायलट बाबा की संपत्ति और उनके शरीर त्यागने पर नया बवाल खड़ा हो रहा है। पायलट बाबा के वैसे तो दुनिया भर में हजारों शिष्य हैं, भारत सहित दुनिया के कई देशों में उनके आश्रम हैं। पायलट बाबा ने तकरीबन 18 महामंडलेश्वर भी बनाए हैं। लेकिन पायलट बाबा की षोडशी पर जूना अखाड़े की तरफ से निकाले गए फॉर्मूले से कई संत असंतुष्ट हैं। इसी में से एक हैं महामंडलेश्वर संजय गिरी। संजय गिरी महाराज मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल में पायलट बाबा के देहांत पर सवाल खड़े कर रहे हैं, खुद पर भी खतरे की बात कर रहे हैं। यही नहीं, संजय गिरी ने अपनी जान का खतरा बताते हुए एसएसपी हरिद्वार और सीएम धामी से सुरक्षा की मांग की है। साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि पायलट बाबा के ट्रस्ट में अचानक से आए ट्रस्टियों की जांच की मांग को लेकर एक पत्र पुलिस प्रशासन को भेजा गया है। मेरे पिता गुरुदेव की अदरक संपत्ति है, लोगों को मालूम हुआ कि हम उनके दत्तक पुत्र है एवं शिष्य महामंडलेश्वर है, तो हो सकता है हमसे कोई हादसा हो जाए हमारे ऊपर, इसलिए हमने सब जगह एप्लीकेशन कर दिए। ये लोग हमारे शरीर को हानि पहुंचा सकते, हमारे विचारों को नहीं, हमारे संकल्पों को नहीं। हमारा संकल्प है विश्व शांति अभियान। एक तरफ खुद को पायलट बाबा का दत्तक पुत्र बताने वाले महामंडलेश्वर संजय गिरी की तरफ से गंभीर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पायलट बाबा के ट्रस्ट पर जबरन जमीन कब्जाने के भी आरोप लग रहे हैं। ये आरोप लगाए हैं जगजीतपुर में बने आश्रम के करीब रहने वाले सुरेश कुमार नाम के व्यक्ति ने। सुरेश कुमार अपनी जमीन के कागजात दिखा रहे हैं, ये भी बता रहे हैं कि कैसे उनकी जमीन हथिया ली गई। बाकायदा कोर्ट के आदेश को दिखाते हुए प्रशासन से अपनी जमीन वापस दिलाने की मांग कर रहे हैं। हम लगे मेरी जमीन थी पहले से, पायलट बाबा जब तक नहीं आया 94 प्रस्ताव आया था पायलट बाबा यहाँ 2000 इसने घाट के चक्कर में इस जमीन को जब से नहीं दल थी। कभी कुछ नुकसान करवा, कभी कुछ नुकसान करा, कभी पुलिस पतन करवा, अगर तेजी पर इस जमीन को घाट बनाने के चक्कर में से हड़प नहीं करी, जैसे जबरदस्ती से हड़प दी। सब जगह शिकायत कर ली मैंने, कोई ऐसी जगह छोड़ी, मुख्यमंत्री एसपी डीएम सीओ सब जगह मैंने कोई ऐसी जगह छोड़ी, सब पेपर मेरे पास रखे। पायलट बाबा की सोडसी से पहले बड़ा बवाल खड़ा हुआ तो आश्रम की तरफ से इसका जवाब भी दिया जा रहा है। पायलट बाबा की उत्तराधिकारी बनाई गई है केको आयकावा। अब केको आयकावा के निजी सचिव महामंडलेश्वर शैलेशानंद गिरी का कहना है कि पायलट बाबा के कई शिष्य हैं, सभी एक डोर में बंधे हैं। ऐसे में अगर कहीं कोई विवाद है तो पायलट बाबा के षोडशी संस्कार के बाद बैठकर सुलझाया जाएगा। महाराज श्री ने इतना बड़ा परिवार बनाया, 18-19 महामंडलेश्वर, और सभी अपने अपने स्थानों पर ज्ञाता, अपनी अपनी विधाओं के अंदर पारंगत, उन सबका अपना एक राय होती है, उनका अपना एक चिंतन होता है। हर एक व्यक्ति प्रस्तुत करता है, कुछ मन कमरों में करता है, कुछ गोष्ठियों में करता है, कुछ शास्त्रार्थों में करता है, और कोई सामाजिक स्तर पर करता है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई विवाद है। यदि किसी के मन में कोई संशय है तो छोटा परिवार हमारा है, और जितना भी छोटा है, जितने भी इसके अंदर सदस्य, हम सब मिल बैठ करके हर निर्णय को लेंगे जी। पायलट बाबा की षोडशी संस्कार 6 सितंबर को होनी है, लेकिन उससे पहले बाबा की संपत्ति को लेकर कई तरह के विवाद खड़े हो रहे हैं। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि षोडशी के बाद पायलट बाबा ट्रस्ट के संतों की तरफ से क्या फैसला लिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।